राम राम, आप सबारो स्वागत है द वाइस स्टोरीज़ में। मारो नाम युवरागी है और अठे सुनने मिले आपने मज़ेदार कहानियाँ। आज की कहानी है चतुराई। और शुरू करने से पहले मैं याद दिला दूँ, अगर आप इन चैनल ने लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं करे हुए तो ज़रूर करा जो अठे सुनने मिले आपने पुरानी मज़ेदार कहानियाँ। तो शुरू करा। एक बारी बात है, एक आदमी राजा के दरबार में जान के वे हुक्म मने 5,000 रुपया उधार दे दो, मैं अपने 5 साल में 5-6 चुकता कर दूँ। तो राजा दे दिया, 5 6 6 7 साल बीत गया पर वो आदमी एक टकोई पाछों को नहीं लायो। राजा ने घनाई खुदरा चाकर भेजिया और वे जाता घन तरह तरह रा बहाना सुन सुन पाछा भगा दिया जाता। राजा काया वे गया, अब खुद पधारिया। जब खुद पधारिया तो देखियो घर में कोई को नहीं, एक छोटी सी छोरी रसोड़ा में बैठी चावल बाफरी। तो पूछियो, बेटा थारे पिताजी कटे? तो वा क्यों पिताजी तो स्वर्ग लोक रो पानी रोकने पधारिया है। हैं के हाँ। और थारे भाई सा कटे? भाई सा तो बिना झगड़ा रो झगड़ो करने गया है। बिना झगड़ा रो झगड़ो? हाँ सा। और थारी माता जी? तो के मारी माँ एक रो दो करने की है। एक रो दो? और आप कई कर रही हो बेटा? तो क्यों मैं अठे बैठी संसार रो ध्यान राख रही हूँ। संसार रो ध्यान? राजा ने उन्हें एक बात भी पल्ले को नहीं पड़ी, पर मन में घणो कौतूहल की इन बात रो मतलब है कई, वाकई कह रही है छोरी। तो राजा उन्हें क्यों, बेटा मैं तो थारी एक बात ही समझ को नहीं आई, मैंने समझा तो सही थारी बात रो मतलब कई है। तो वाकियो भाई मैं आपने बात रो मतलब समझाऊँ तो मने कई मिली? तो राजा हंसने क्यों बोल थे कई चाहिए? तो वह क्यों आपने मने वचन देनो पड़ी कि आप मारे पिताजी रो कर्जो माफ़ कर दो। तो राजा हंसने क्यों ठीक है दियो वचन। तो वह क्यों वाह ठीक है, आपने मैं मारी बातारो मतलब आज नहीं काले बताऊँ, आप काले पधार जो। तो राजा ने कई बात समझ में नहीं आई, तो वह तो भी फरमायो ठीक है। राजा पाछा पधार गया। अगले दिन जब आया तो घर में सब जना पिताजी माताजी भाई और वाह छोटी छोरी। तो राजा वाह ने कियो कि भाई अबे बेटा बता। तो वाह कियो हुकम आपने आपरो वचन याद है? तो राजा हंसने क्यों हाँ हाँ मैंने मारो वचन याद है, अब तू मैंने थारी बातारो मतलब हम जा तो मैं मानू। तो वाह कियो ठीक है हुकम, मारी पहली बात ही कि मारे पिताजी स्वर्ग लोक लो रोक स्वर्ग लोक रो पानी रोकने पधारिया है, जिन्हों मतलब है कि वे बरसात रे पानी उमानी छट टपकरी ही जिन्हें वे सुधारने गया हा। तो राजा हंसने क्यों वाह, फिर मैं आपने दूजी बात की कि मारे भाई सा बिना झगड़ा रो झगड़ो करने गया है, मतलब ओ कि माने खेत में बिच्छू बूटी गणा वेगा, बिच्छू बूटी ने उखेलने गया, बिच्छू बूटी एड़ो वीड है कि जिन्हें आप जटे हाथ लागे वो आपरे वटे खाज कर देवे, तो बिना झगड़ा करिए आप खुदरे हाथों खुदरे शरीर माते घाव कर लो, इत तो खुद खा जावे। राजा क्यों हाँ अच्छी बात। फिर तीजी बात में आपने की कि मारी माँ गी एक रो दो करने, जिन्हों मतलब ओ कि मारी माँ आखी मूंग दाल ने दलावन गी, तो आखी मूंग दाल रो दाणो दलिया पचे एक रो दो वे जावे है नी। राजा क्यों वाह वाह। फिर चौथी बात में आपने की कि मैं अठे बैठी संसार ने रख रही हूँ, तो मारी माँ मने चावल बापड़नो कियो हो आप देखियो हो, तो चावल तो वेगा मानो संसार और मैं माना निरख रही ही मानो ध्यान दे रही ही दाणो उठान देख रही है कि सीजिया कि नहीं सीजिया। तो राजा उन्हें चतुराई होशियारी घना प्रसन्न हुआ, तो क्यों बेटा तू तो है तो घनी होशियार और चतुर, पर ये बात तो तू मने काले भी कह सकती, आज क्यों बुलायो? तो वह हंसने क्यों उन्हें दो कारण है हुकम, आप काले पधारिया जब घर में कोई कोनी हो, और अगर मैं पिताजी ने कहती कि राजा साहब आपरो कर्जो माफ़ कर दियो तो मारी बात कौन मानतो, मैं तो टाबर हूँ। अब आपने मुंडाओं सुन लियो तो सब रे मन में थ्यावस आएगी। दूजी बात मारी माँ मने चावल संभालनो कियो हो, तो अगर मैं आपने बाता बतावने बैठ जाती तो चावल संभालती की कर और बढ़ जाता तो मारी माँ मन कूटती, जो मैं आपने आज बुलायो। राजा उन्हें होशियारी चतुराई घना खुश हुआ, उन्हें गड़ारो हार दियो इनाम में, और क्यों मारे वचन रे साबू मैं थारे पिताजी रो कर्जो माफ़ करूं और थाने जितना दिन अटे रहनो वे मौजो रहो। आशा करूं आपने कहानी चोखी लागी गई। अगले हफ्ते फिर मिला। राम राम।